साथियों, जिंदगी में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें कभी हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। एक है रिश्ते, दूसरा होता है संबंध। रिश्ते मीन्स रिलेशनशिप और संबंध मीन्स कॉन्टैक्ट। और इन दोनों के अंतर को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए जो अपनी एक टीम बनाने हैं उनको नहीं बना पाते। रिश्ते बनाए ही नहीं जाते, रिश्ते निभाए भी जाते हैं। और बनाए केवल कॉन्टैक्ट जाते हैं, और जो केवल या तो अपने एक पर्टिकुलर स्वार्थ या पर्टिकुलर आवश्यकता की नींव पर खड़े किए जाते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग आपसे आपका जब नंबर मांगते हैं तो वो कहते हैं आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। वो कभी भी आपसे अपने रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए इन चीज़ों को नहीं समझते। इन्हीं चीज़ों को आज हमें और गहराई से समझना होगा। और जो रिश्ते के लक्षण हैं और जो कॉन्टैक्ट के लक्षण हैं, वो आप यदि थोड़ी सी भी गहराई से समझेंगे तो उनको आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, रिश्तों में एक दूसरे पर विश्वास होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट में विश्वास की कोई जगह नहीं होती। जब तक अपना स्वार्थ है उतनी देर अपना संबंध है, अन्यथा संबंध विच्छेद। दूसरा, रिश्तों में अर्थपूर्ण बातचीत होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, और जिम्मेदारी से कोई भी पक्ष भागता नहीं है। जिम्मेवारी निभाने के लिए स्वतः तैयार रहता है। और जहाँ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, वहाँ जिम्मेवारी कोई निभाना चाहता ही नहीं है। तीसरा, संबंधों में पहली बात तो झगड़े की कोई जगह नहीं है, क्योंकि समर्पण होता है। यदि किसी कारण से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो वहाँ हार और जीत का कोई महत्व नहीं होता। वहाँ सदैव एक दूसरे से सत्य बताने की, ठीक बात समझाने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। और संबंधों में क्योंकि स्वार्थ है तो स्वार्थ के लिए सदैव मीठी मीठी बातें की जाती हैं, झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ सत्य कहना ही नहीं, इसलिए संबंधों में झगड़ा नहीं होता। रिश्तों में झगड़ा सत्य की स्थापना के लिए, सत्य को समझाने के लिए होता है। नंबर चार है, संबंधों में हर हाल में साथ देना। आपकी स्थिति छोटी हो बड़ी हो, आपकी क्षमताएं कम हो ज़्यादा हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। वहाँ रिश्ते का महत्व होता है, लेकिन संबंधों में केवल अपने स्वार्थ के लिए, आपके पद का, आपकी आर्थिक स्थिति का, आपकी हैसियत का महत्व बार बार आपको बताया जाता है। और सबसे बड़ा जो समझने की बात है वह है, संबंधों में सुलह का महत्व होता है। संबंध में यदि कोई बात हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो वो एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती। बात बात पर सुलह होती रहती है, रिश्ते प्रगाढ़ होते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। लेकिन यदि संबंधों में, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वह तत्काल समाप्त हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं हो जाता है, वह महत्वहीन हो जाता है। जबकि रिश्तों में सुलह की जगह सदैव बनी रहती है। आप यदि इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो अपने जीवन में आप अच्छे लोगों को, अपने हित के लोगों को पहचान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उनका चयन अपनी टीम में कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका हमें सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।